Hello everyone, welcome to Free Study. So new video, and this is the last part for Insights Current Affairs 2019 for June month, and after this we will move to July current affair. Okay, so if you are new to the channel, please aap channel ko subscribe karein and bell icon ko bhi zarur press karein, and I request you ki aap please videos ko zarur share karein kisi bhi platform par, chahe wo WhatsApp ho ya chahe Facebook ho. I request you ki aap please videos ko zarur share karein, and main ummeed karti hu ki aap zarur share karenge. To start karte hain, aaj hum isko complete kar lenge, and iske sath sath aap apne notes bhi bana sakte hain, kyunki ye short notes aap bana lijiye ya fir aapke paas highlighter ho to aap highlight kar lijiye, but इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि देखिए हम ना भूल जाते हैं. आप इतना सारा पढ़ रहे हैं, 12 महीने के करंट अफेयर्स करेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता होने चाहिए कई क्वेश्चंस के अंदर. इसीलिए हाईलाइट ज़रूर करके रखें एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. बार बार रिवाइज़ कीजिए, कम से कम आपको 3 या 4 बार तो मिनिमम रिवाइज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको पेपर में रिकॉल करने में ईजी रहे. एंड इसके अलावा भी अगर आपको 5-6 बार भी रिवाइज़ करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको इतनी बार ही रिवाइज़ करना पड़ता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोलीफरेशन ऑफ कैल्प्स इन द आर्कटिक से. प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन है. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो मराइन हैबिटेट्स को चेंज करता है, साथ ही साथ में कैल्प फॉरेस्ट को भी. तो ये आर्कटिक फॉरेस्ट, अंडर वाटर आर्कटिक फॉरेस्ट होते हैं, जो कि आर एक्सपेंडिंग थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग. तो कैल्प्स हैं क्या, एंड ये कैसे अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं? ये लार्ज ब्राउन एल्गी सीवीड्स होते हैं, जो कि लैमिनरीज को बनाते हैं, एंड ये 30 different genera के हैं. कैल्प्स जो होते हैं वो मतलब कठिन से कठिन कंडीशंस भी होगी तो उसमें भी अपने आप को अडेप्ट करा लेते हैं. जो कूल वाटर स्पीशीज होते हैं, जिनके स्पेशल स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड लॉन्ग पीरियड तक डार्कनेस में रहना है, सी आइस में रहना है, वो यहाँ पर ग्रो करते हैं. तो जो कोल्ड रीजन है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, तो वहाँ पे कुछ हाईएस्ट रेट भी होते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम ऑन अर्थ की. तो ये आर्कटिक फॉरेस्ट हैं एंड दे आर एक्सपेंडिंग थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग. नाउ कैल्प्स का सिग्निफिकेंस क्या है? कैल्प्स फंक्शन अंडर वाटर इन द सेम वे ट्रीज डू ऑन लैंड. जैसे कि आप अपने आंखों के सामने पेड़ों को लैंड पे देखते हैं, उसी तरीके से कैल्प्स काम करते हैं पानी के अंदर. अपना हैबिटेट बनाते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं शेडिंग लाइट एंड सॉफ्टनिंग वेव से. जो अंडरग्राउंड फॉरेस्ट हैं वो दैट कैल्प्स क्रिएट आर यूज्ड बाय मैनी एनिमल्स. काफ़ी सारे एनिमल्स इन्हें अपने शेल्टर एंड फूड के लिए भी यूज़ करते हैं. तो एक तरीके से पानी के अंदर की ये दुनिया है. 350 से ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज, 1 लाख स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स कैन लीव अप, मतलब एक सिंगल कैल्प प्लांट के ऊपर रह सकते हैं. काफ़ी सारी बर्ड्स, फिश, मैमल्स इस होल फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्ट लाइंस को भी, क्योंकि जो पावर ऑफ वेव्स होती हैं, जैसे जब बहुत तेज आंधी आती है या कोस्टल इरोजन होता है, तो उस टाइम पे ये कोस्ट लाइंस को सेव करते हैं. जो कैल्प्स के फॉरेस्ट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कोस्टल इकोनॉमीज, सपोर्ट करते हैं अ ब्रॉड रेंज ऑफ टूरिज्म, रिक्रिएशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़. कैल्प्स जो हैं वो एक कोवेटेड फूड सोर्स भी हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, एंड इट इज़ फुल ऑफ पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर एंड आयोडीन. आर्कटिक के अंदर इन्यूट ट्रेडिशनली यूज कैल्प एज फूड एंड वाइड हार्वेस्ट न्यूमेरस स्पीशीज. नाउ प्रीलिम्स के फैक्ट क्या हैं? जो कैनेडियन आर्कटिक है वो लॉन्गेस्ट आर्कटिक कोस्ट लाइन है इन द वर्ल्ड, एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडियन आर्कटिक है, लैक ऑफ रॉक सबस्ट्रेट एंड अ हार्शर क्लाइमेट सपोर्ट स्मॉलर फ्रेगमेंटेड कैल्प फॉरेस्ट. नाउ क्लाइमेट चेंज किस तरीके से कैल्प्स को फैला रहा है? तो जो जेनेटिक एविडेंस है उससे पता चलता है कि काफ़ी सारे कैल्प्स जो हैं वो री इन्वेड हुए हैं द आर्कटिक फ्रॉम द एटलांटिक ओशियन क्वाइट रिसेंटली. मतलब ये 8,000 साल पहले से भी हैं, जो कि लास्ट आइस एज को फॉलो कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट काफ़ी सारे कैल्प्स जो हैं आर्कटिक के अंदर वो लिविंग है इन वाटर्स कोल्डर देन देयर ओरिजिनल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर. ओशियन वार्मिंग जो होगी वो कंडीशंस को क्लोजर ले जाएगी टू द टेम्परेचर्स ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, एंड इससे जो प्रोडक्टिविटी है हैबिटेट्स की वो भी बढ़ेगी. जैसे जैसे पानी गर्म होगा, सी आइस रिट्रीट होगी, तो काफ़ी लाइट जो है वो सी फ्लोर तक पहुँचेगी, जिससे मैराइन प्लांट्स को बेनिफिट होगा. तो रिसर्चर्स ने प्रिडिक्ट किया है एक नॉर्दर्न शिफ्ट ऑफ कैल्प फॉरेस्ट एज आइस रिट्रीट्स.
कुछ अदर चेंजेस जो कि आर्कटिक के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पिक्चर कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जैसे कि कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, साइबेरिया। तो यहाँ पे परमा फ्रॉस्ट सॉइल जो है वो बिल्कुल, मतलब काफ़ी सारे सालों से जो सॉइल है वो बिल्कुल फ्रोजन है, एंड दे आर रिसीडिंग बाई हाफ अ मीटर पर ईयर, एंड थोइंग परमा फ्रॉस्ट एंड क्रम्बलिंग आर्कटिक कोस्ट आर डंपिंग सेडिमेंट्स इन टू कोस्टल एरियाज एट अलार्मिंग रेट्स, जिसकी वजह से लाइट उन प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाती एंड ग्रोथ रुक जाती है। जो रन ऑफ होता है, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो उससे भी उसकी सेलाइनिटी कम होती है, टर्बिडिटी बढ़ती है, विच इम्पैक्ट्स यंग कैल्प। तो कैल्प फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा, जो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर होते हैं। नाउ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून, तो 17 जून को हमने वर्ल्ड डे मनाया ताकि डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो सूखा है उसे कॉम्बैट किया जा सके। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून एवरी ईयर, हर साल 17 जून को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड डे है उसकी थीम थी इस बार, मतलब 2019 के अंदर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, 5 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड नेक्स्ट 25 में क्या रहने वाला है वो सब शोकेस किया गया, ताकि पीपल को एनकरेज किया जाए अगेंस्ट डिप्लीटिंग द लैंड ऑफ इट्स इन बिल्ट रिसोर्सेज। डेजर्टिफिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, जो 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसने डिक्लेयर किया कि हम डिटरमाइंड हैं कि हम प्लानट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम डिग्रेडेशन। इसके अंदर सस्टेनेबल कंजम्पशन भी इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन भी, नेचुरल रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है, एंड अर्जेंट एक्शंस भी लेने होंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, ताकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड को सपोर्ट किया जा सके। स्पेसिफिकली जो गोल है, गोल 15, वो स्टेट करता है दैट वी हैव टू रिजॉल्व टू हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है? डेजर्टिफिकेशन मतलब लैंड का डिग्रेडेशन होना इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, एंड ये ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, डेजर्ट्स का फैलना नहीं होता, बल्कि जो ग्रीनरी है जब आप उसको मतलब सूखे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट अकर्स बिकॉज, क्योंकि जो ड्राई लैंड इकोसिस्टम्स हैं 1/3 वर्ल्ड लैंड एरिया पे, वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इन अप्रोप्रिएट लैंड यूज़ हो रहा है, देन पावर्टी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, बैड इरीगेशन प्रैक्टिसज, ये सब जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको कम करते हैं। प्रीलिम्स के लिए UNCCD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 1994 में, एंड इस बार डे कब मनाया गया था, 17 जून को, और थीम क्या थी, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। तो ये एक सोल लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, UNCCD, जो कि लिंकिंग एनवायरनमेंट को लिंक करता है टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, जिनको ड्राई लैंड्स कहते हैं, वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इको सिस्टम एंड पीपल्स कैन बी फाउंड। नाउ इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया ने देखा कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ रहा है, 26 स्टेट्स में बिटवीन 2003-05 टू 2011-13, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2019 इन फिगर्स। मेन रीजन्स यही है कि देखिए, वाटर इरोजन हो रहा है 10.98% रहा, विंड इरोजन 5.55% रहा, ह्यूमन मेड सेटलमेंट्स दैट इज 0.69%, वेजिटेशन डिग्रेडेशन रहा 8.91%, देन सेलाइनिटी है 1.12%, एंड देन आपका अदर्स हैं दैट इज़ 2.07%। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर डेजर्टिफिकेशन 26 से 29 स्टेट्स के अंदर हुआ है, एंड 21 जो हैं वो ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं 78 में से, जिसे ISRO ने आइडेंटिफाई किया था कि ये हाफ से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो डेजर्टिफिकेशन के अंदर हैं, एंड इनमें से भी जो 9 हैं उसके अंदर 2% इंक्रीज़ हुआ है उस एरिया में अंडर डेजर्टिफिकेशन बिटवीन 2003-05 टू 11-13। 80% से भी ज़्यादा जो कंट्री का डिग्रेडेड लैंड है वो सिर्फ 9 स्टेट्स में है, दैट इज़ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत हाईएस्ट एरिया है अंडर डेजर्टिफिकेशन, वो है जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो है, लाहौल एंड स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में है, कारगिल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नाउ डेड जोन
इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो साइंटिस्ट ने कहाँ के साइंटिस्ट, नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुइजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने प्रेडिक्ट किया कि जो स्प्रिंग का रिकॉर्ड रेनफॉल है वो एक लार्जेस्ट एवर डेड जोन प्रोड्यूस करेगा इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। डेड जोन्स क्या होते हैं? अनऑक्सीजनेटेड डेड जोन्स जो होते हैं वो वाटरवेज में आते हैं, जहाँ पे एल्गी को ओवरफेड होता है, मतलब वो ओवरफेड होते हैं बाय रन ऑफ फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। एक ऐसा फिनोमिनन जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जब एल्गी ओवरफेड हो जाती हैं, जब वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, आपने यूट्रोफिकेशन पढ़ा होगा, यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपका मान लीजिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो जैसे पानी के अंदर रन ऑफ होकर आ जाते हैं, तो जो अल्गी होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ब्लूम हो जाती है। तो ब्लूम हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इस तरीके से यूट्रोफिकेशन काम करता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब आपका हो गया, जस्ट अ मिनट, तो यूट्रोफिकेशन का मतलब जहाँ पे एल्गी ओवरफेड बाय रन ऑफ फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट कॉज्ड डेड जोन इन गल्फ ऑफ मैक्सिको? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर एक डेड जोन पाया गया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट लेडन वाटर जो है वो मिसिसिपी रिवर से आ गया, जो कि मिसिसिपी रिवर सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, एंड ये हर समर के अंदर ब्लूम करती है जब वार्मिंग वाटर एसेलरेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को, एंड ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सपो टू गेट एक्सपेक्टेड टू गेट इवन वर्स एज द क्लाइमेट कंटिन्यूज टू चेंज। जो प्राइमरी कल्प्रिट होते हैं यूट्रोफिकेशन के अंदर वो यही है कि एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, फर्टिलाइजर रन ऑफ की वजह से, सेप्टिक सिस्टम की वजह से, एंड टू एटमोस्फेरिक फॉल आउट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो कि वाटर बॉडीज में एंटर हो जाता है, एंड इससे ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाती है, वाटर क्वालिटी जिसके बाद रिड्यूस, एंड एस्टुराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम क्या हो जाते हैं, डिग्रेड। नाउ यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट क्या है? यूट्रोफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो पीएच है वो कम हो जाएगा, इसको ओशियन एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। ये आप जो आपकी बुक है शंकर आईएएस की, उसके चैप्टर्स पढ़ लें, यूट्रोफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूट्रोफिकेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता ही होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसकी वजह से आपका जो, जब अब पानी का जो लेवल है पीएच जो है वो अगर 7 से कम हो जाएगा तो ओशियन क्या हो जाएगा, एसिडिफाई। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना इज़ डेंजरस, जिसकी वजह से फिश की, सेलफिश की ग्रोथ रुकेगी, शेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, एंड जो कमर्शियल एंड जो रिक्रिएशनल फिशरीज़ हैं उनका भी कमी होगी, जिसकी वजह से स्मॉलर हार्वेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव सी फूड हो जाएंगी। नाउ वट नीड्स टू बी डन? इम्प्रूवमेंट करनी होगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अच्छे लाने होंगे, टर्शियरी ट्रीटमेंट करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे फिल्टर इको सिस्टम के, फॉस्फोरस को रिड्यूस करना होगा इन डिटर्जेंट्स, रैशनलाइजेशन करना होगा एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का थ्रू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेज यूज करनी होंगी इन एनिमल हस्बेंड्री टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, एंड ऑक्सीजनेशन करना होगा वाटर का फॉर रिस्टोर द इकोलॉजिकल कंडीशन, रिड्यूस करने होंगे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द यूट्रॉफिक प्रोसेस सच एज स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स डराइविंग फ्रॉम द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। जो केमिकल प्रेसिपिटेशन है ऑफ फॉस्फोरस बाय द एडिशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स और कैल्शियम कार्बोनेट टू द वाटर, जिसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होगी आयन की, एल्यूमिनियम की, कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट्स की, एंड रिड्यूस होंगे नेगेटिव इफेक्ट्स भी, एंड विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन द सेडिमेंट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, दैट इज़ FLR एंड बोन चैलेंज। तो फॉरेस्ट लैंडस्केल जो सेंटर है उसने एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन हो सके एंड बोन चैलेंज इन इंडिया। इसमें 3.5 ईयर्स लगेंगे इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका। यूनाइटेड नेशन FSCC जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 जब पेरिस में हुई थी, तो इंडिया ने बॉन चैलेंज को ज्वाइन किया था, जिसके थ्रू कहा गया था कि 13 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड एंड जो डीफॉरेस्टेड लैंड है
उसे 2020 तक रिस्टोर करेंगे एंड 2030 तक और 8 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इंडिया का प्लेज यही है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। नो बॉर्न चैलेंज क्या है, FLR अप्रोच क्या है? तो बॉर्न चैलेंज एक ग्लोबल एफर्ट है ताकि जो 150 मिलियन हेक्टेयर्स हैं डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड के, वो 2020 तक रिस्टोर किए जा सके एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030। जो 2020 का टारगेट है वो लॉन्च किया गया है एक हाई लेवल इवेंट पे इन बोन इन 2011, जिसे ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने एंड IUCN ने, एंड बाद में इसे इंडोर्स एंड एक्सटेंड किया 2030 तक बाय न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ऑफ द 2014 UN क्लाइमेट समिट। बॉर्न चैलेंज एक इम्प्लीमेंटेशन व्हीकल है नेशनल प्रायोरिटीज़ के लिए, जैसे कि वाटर एंड फूड सिक्योरिटी। जो अंडरलाइंग है बॉर्न चैलेंज, ये एक फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच होगी, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को भी सेम टाइम पे रिस्टोर किया जाएगा, ह्यूमन वेलबींग को इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप्स। एंड अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर $84 बिलियन पर ईयर लगेंगे इन नेट बेनिफिट्स, जिसकी वजह से डायरेक्ट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। नाउ FLR फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ऑफ रीगेनिंग इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड एनहेंसिंग ह्यूमन वेलबींग अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। जो FLR हैं दीज आर मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज एंड इट इज़ रिस्टोरिंग अ होल लैंडस्केप टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि इसके लिए मल्टी ईयर विजन चाहिए इकोलॉजिकल फंक्शंस का। जो मेजॉरिटी है रिस्टोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ की वो पाई जाती है एडजेसेंट टू एग्रीकल्चरल और पेस्टोरल लैंड, एंड इन सिचुएशंस के अंदर जो रिस्टोरेशन है इट मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग लैंड यूजेस। जो रिजल्ट होगा वो जैसे मतलब अलग अलग लैंड यूजेस का मोसैक होगा, दैट इज़ एग्रीकल्चरल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स। काफ़ी सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा लैंडस्केप्स पे, फंक्शनैलिटी को रिस्टोर किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, एंड इट टेलर टू लोकल कंडीशन एंड इट विल अवॉइड फर्दर रिडक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट कवर। नाउ क्लाइमेट चेंज कैन ट्रिम स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एन रूट SDGs, दैट इज़ UN। तो काफ़ी सारी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं दे मे फेल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाई 2030, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने कहा है ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है मीन्स जो लिस्ट डेवलपिंग नेशंस में है उनको गोल्स मीट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एंड काफ़ी सारे SIDs जैसे कि कॉमरोज, ग्यूनिया बिसाउ, साउ टोम, प्रिंसिपे, सोलोमोन आइलैंड्स एंड वनियातू, वो भी शार्पर पॉपुलेशन ग्रोथ को फेस कर रहे हैं जो कि वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। जो चैलेंज है वो स्मॉल कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, सी लेवल राइज होगा, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ है ग्लोबल एवरेज से। जो टोटल पॉपुलेशन है इन्हीं कंट्रीज़ की वो 71 मिलियन है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 2030 तक 78 मिलियन हो जाएगी एंड 2050 तक 87 मिलियन। तो SIDs स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस को शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल बट ग्रोइंग पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिमोटलेस, ससकेप्टेबिलिटी टू नेचुरल डिसऑर्डर्स, वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फ्रेजाइल एनवायरमेंट्स। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। जो 1/3 है एंटायर पॉपुलेशन वो उन लैंड्स पे रह रही है जो कि सी लेवल से भी 5 मीटर नीचे है, जो कि हाईली वल्नरेबल है टू सी लेवल राइज, स्टॉर्म सर्ज एंड कोस्टल डिस्ट्रक्शन। ये जो कंट्रीज़ हैं 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड दीज आर येट अमंग द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द वर्स्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिशरीज एंड जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, थ्रेटनिंग लाइवहुड्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो टूरिज्म है उसने भी फॉर्म किया है फाउंडेशन ऑफ मैनी SIDs इकोनॉमीज, एंड द इम्पैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैविंग एंड विल हैव ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री इज अनडिनाइबल। जो टूरिस्ट हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा फ्रॉम ट्रेवलिंग टू SIDs इन द फियर ऑफ वायलेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टॉर्म्स। नाउ वी विल रीड अबाउट जल शक्ति अभियान। तो जो सेंटर है वो जल शक्ति अभियान शुरू करने जा रही है टू रैम्प अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स इन 255 वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम July 1st, इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स प्रोमिस टू फोकस ऑन वाटर। ये कंपेन को कोऑर्डिनेट करेंगे टू
55 सेंट्रल आईएएस ऑफिसर जो कि एक जॉइंट या एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के होंगे। जो ये कंपेन है ये 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगी उन स्टेट्स में जो कि रेनफॉल को रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, एंड वो स्टेट्स जो रेनफॉल को रिसीव करते हैं इन द रिट्रीटिंग एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून वो कवर किए जाएंगे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ओवरऑल 313 ब्लॉक्स हैं क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं उनके, 1186 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर हैं, एंड 94 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है। एम इसका अगेन यही है रिवॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाना। ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर कंजर्वेशन प्लान्स ड्राफ्ट करने होंगे, किसान विज्ञान केंद्र खोलने होंगे ताकि बेटर क्रॉप चॉइसेस हों एंड ज़्यादा एफिशिएंट वाटर यूज़ हो फॉर इरीगेशन। नाउ प्रीशियस ड्रॉप्स, ये आप देख सकते हैं जल शक्ति अभियान जो है उससे वाटर को कंजर्व किया जाएगा एंड प्रोमोट की जाएंगी इरीगेशन एफिशियंसी अ पब्लिक कंपेन थ्रू एसेट क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन कंपेन। ये मैप डिस्ट्रिक्ट्स को एंड ब्लॉक्स को शो करती है जहाँ पे मेजर्स को कैरी किया जाएगा। तो ये आप अगर रेड के अंदर देख रहे होंगे तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हैं एंड नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहीं पे येलो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नाउ फर्स्ट रेजिलियंट केरला प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एंड वर्ल्ड बैंक ने, तीनों ने मिलके एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 250 USD मिलियन का ताकि फर्स्ट रेजिलियंट केरला प्रोग्राम हो सके एंड नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। ये फोकस करेगा स्टेट के इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी पर कि वो पुअर एंड वल्नरेबल लोगों को इंक्लूड करें साथ में एंड उनको प्रोटेक्ट करें। फर्स्ट स्टेट पार्टनरशिप होगी वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड फर्स्ट ऑफ टू डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस विच एम्ड एट टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। जो 2018 के फ्लड्स एंड जो लैंडस्लाइड्स आए थे केरला के अंदर उससे प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ा था एंड 1/6 जो थी स्टेट पॉपुलेशन अबाउट 5.4 मिलियन पीपल वो अफेक्ट हुए थे, जबकि 1.4 मिलियन जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे फ्रॉम देयर होम्स स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, दैट इज़ रीकाप, तो इंडियन कोस्ट गार्ड होस्ट करेगा 12th कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप किसके साथ मिलके, रीकाप के साथ मिलके एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर के लिए। ये एक फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है जो कि पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी के साथ डील करेगा क्योंकि सी के अंदर रॉबरी होती है। 20 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया एक्टिव रोल प्ले करेगा, वो रीकैपेसिक बनाएगा जापान एंड सिंगापुर के साथ मिलकर। यूनियन गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगा एक ICG को एज द फोकल पॉइंट विद इन इंडिया एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ये इसके 3 पिलर्स होंगे कॉपरेशन के अंडर रीकाप एग्रीमेंट। जो ISC है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा सिंगापुर में ताकि इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करना ईजी रहे। नाउ फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी आ गई है, दैट इज़ लिब्रा। तो फेसबुक ने अपनी नई डिजिटल करेंसी लिब्रा को जो है उसको अनाउंस कर दिया है जो कि रोल आउट हो जाएगी 2020 में यूज़ के लिए एंड जो बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं ग्लोब में वो इसको यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक ग्लोबल करेंसी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक डिजिटल एसेट है जिसे फेसबुक ने बनाया है एंड इसको पावर्ड किया है न्यू फेसबुक क्रिएटेड वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ी थी जो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है जिसे बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज भी यूज करते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड लिब्रा, क्योंकि ये लिब्रा जो है वो बेसिक रोमन मेजरमेंट ऑफ वेट से आया है एंड जो एब्रीविएशन है IB फॉर पाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम लिब्रा एंड ये जो आप साइन देख रहे होंगे इट कम्स फ्रॉम द ऑर्नेट एल इन लिब्रा। नाउ हु इज इन चार्ज ऑफ लिब्रा, तो जो करेंसी है वो सर्विस की जाएगी बाय अ कलेक्टिव ऑफ कंपनीज कॉल्ड द लिब्रा एसोसिएशन। ये फंक्शन करेगी एज अ स्टेबल कॉइन एंड इसको पेग्ड किया जाएगा टू एग्जिस्टिंग एसेट्स लाइक द डॉलर एंड यूरो, ताकि एम यही है एंड टू मेक इट लेस सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी दैट मेक क्रिप्टो करेंसीज एक्सपीरियंस। जो लिब्रा एसोसिएशन है इसे डिस्क्राइब किया फेसबुक ने कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी एंड स्विट्जरलैंड के अंदर बनेगी
लिब्रा ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना एंड मैनेज करना टू रिजर्व लिब्रा इज टाइड टू एंड एलोकेट फंड्स ऑन सोशल कॉजेज. जो फेसबुक है उसने ये भी क्लेम किया है कि ऑल दो इट क्रिएटेड द लिब्रा एसोसिएशन एंड लिब्रा ब्लॉकचेन एंड एक बार जैसी करेंसी 2020 के अंदर लॉन्च होगी तो कंपनी विदड्रॉ कर लेगी फ्रॉम अ लीडरशिप रोल एंड जो भी मेम्बर्स ऑफ एसोसिएशन होंगे उन सब के इक्वल वोट्स होंगे इन गवर्नेंस ऑफ लिब्रा. नाउ व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज. तो एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है. क्रिप्टो करेंसी से ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है पार्टीज के बीच में वो इजी हो जाता है बिना बैंक के पास जाए हुए. जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पे बेस्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रूफ ऑफ चेन ऑफ ट्रांजेक्शन्स ड्राइविंग देयर नेम क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है एंड ये फंक्शन करते हैं टू इंश्योर एनोनिमिटी दैट इज़ प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स हु आर आइडेंटिफाइड. कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इनको एक अल्फा न्यूमेरिक पब्लिक की के थ्रू एंड सिक्योरिटी होती है ट्रांजेक्शन्स की, इंटेग्रिटी होती है पेमेंट सिस्टम्स की. तो जो वर्चुअल करेंसी है या ये जो डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसे यूजर बाय करते हैं, स्टोर करते हैं डिजिटल वॉलेट्स के अंदर एंड यूज करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन on a decentralized network that is not controlled by one bank or a government. जो करेंसी होती है ये पावर्ड होती है बाय अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन जो कि एक ओपन लेजर की तरह काम करती है एंड इट गेट्स अपडेटेड इन रियल टाइम. हर एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर प्रिजर्व्ड होती है एंड रिवर्सिंग इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि डाटा इनक्रिप्टेड हो जाते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी इज सपोज टू बी सिक्योर एंड एनोनिमस. कैसे यूज़ किया जाएगा, ये एक फंडामेंटली डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है एंड इट ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन पीयर्स एंड ट्रांजेक्शन कन्फर्म होती हैं पब्लिक लेजर के अंदर. नाउ लिब्रा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द करेंसीज़ की जैसे कि बिटकॉइन वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं रियल करेंसीज़ के कंपैरिजन में, लेकिन लिब्रा एक स्टेबल होगी एंड यूजर्स को कॉन्फिडेंस देगी. इसे रिजर्व ऑफ एसेट से बैक किया जाएगा जिनकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी एंड स्टेबिलिटी होगी. ये जो एसेट्स हैं इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटीज़ एंड फियाट करेंसीज लाइक डॉलर एंड पाउंड. लिब्रा जो है उसे कंट्रोल करती है लिब्रा एसोसिएशन जो कि एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा के अंदर. फेसबुक का लीडरशिप रोल रहेगा 2019 में एंड बट विल लेटर बिकम वन ऑफ मैनी मेम्बर्स ऑफ एसोसिएशन. जो अदर प्रोमिनेंट मेम्बर्स होंगे वो होंगे उबेर, वीज़ा, लिफ्ट, मास्टर कार्ड, पाइपल एंड पे यू फ्रॉम इंडिया. इस एसोसिएशन के अंदर अभी 28 मेम्बर्स हैं एंड 100 फाउंडिंग मेम्बर्स हो जाएंगे 2020 के हाफ तक. लिब्रा जो है वो एक ग्लोबल करेंसी की तरह है जिसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ट्रांजेक्शन फीस के. जो अनबैंक्ड हैं, जो नंबर में बिलीव कर हैं जैसे कि 1.7 बिलियन लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है. प्राइवेसी कंसर्न्स, तो इसके अंदर एनोनिमस फंडिंग है एंड इट एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. जो यूजर्स एंड ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं तो हैकर्स जो हैं दे आर गेटिंग इनटू द पर्सनल वॉलेट्स. तो ये थोड़ा सा डर है, फ्रॉडस्टर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं एंड क्रिप्टो करेंसी तो बॉर्डरलेस है तो चीप भी है एंड क्रिप्टो करेंसीज़ को कभी कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए फंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम एंड काफ़ी सारे जो न्यू यूज़र्स हैं दे नो क्लोज टू नथिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड जो वॉलेटिलिटी है वो भी इंटेंस है. वे अहेड क्या है, फेसबुक की जो एंट्रेंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर वो एक थ्रेट है डेमोक्रेसीज़ के लिए एंड सिटीजन्स के लिए बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस. ओके, तो हमने अपने जो जीएस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ अब हम रीड करेंगे कुछ फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स. ऑलराइट, सो दीज आर द फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स एंड अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रिलिम्स पढ़ते हैं बट इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी देखने में. चलिए मैं आपको सही से कराऊंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन न्यूज़, सबसे पहले देखिए जो प्राइजेज हैं मिल्क के उन्हें कौन डिसाइड करती है, कॉपरेटिव एंड प्राइवेट डेयरीज, किसके बेस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे. देन जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द कि जो यूनियन ऑफ इंडिया एंड जो स्टेट के अंदर जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 2463 के अंदर है एंड जो कैटल का प्रिजर्वेशन है वो स्टेट के अंदर आता है जहाँ पे उनके पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं. आर्टिकल 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करें, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे एंड प्रिजर्व करें, इम्प्रूव करें ब्रीड को एंड प्रोहिबिट करें स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स एंड अदर मिल्क
एंड रॉट कैटल। पुलिस एंड जो पब्लिक ऑर्डर हैं, तो अभी तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि एक तो कैटल, कैटल आपका स्टेट के अंदर आता है, पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है वो भी आपका स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल, एंड ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन क्रिमिनल्स को रोके। देन देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से पहले आप ज़रा राइट हैंड साइड के अंदर देखें, ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया वेब पोर्टल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दो वेब पोर्टल्स बनाए हैं, दैट इज़ ट्रैक चाइल्ड एंड खोया पाया, ताकि मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन को ढूंढा जा सके। जो ट्रैक चाइल्ड पोर्टल होगा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। खोया पाया हैज़ बिन इंटीग्रेटेड एज अ सिटीजन कॉर्नर ऑन ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। गामा पोर्टल दैट इज़ ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। देन अपेडा दैट इज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था अपेडा एक्ट 1985 के अंदर। इस अथॉरिटी ने रिप्लेस किया है PFEPC को, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। ये मैंडेट करता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स रीड कर लीजिएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 3 जून से 7 जून तक मनाई गई। ये एक एनुअल इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि जो की टॉपिक्स हैं मीन्स जो न्यूज़ में होते हैं उनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड जो थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 की वो थी फार्मर्स, जो फोकस करती है कि किस तरीके से वो बेनिफिट ले सकते हैं बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। इस इनिशिएटिव का एम यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, गोइंग डिजिटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ गो ट्राइबल कंपेन, तो ट्राई फेड, एंड यहाँ पर भी आप ये भी देख लीजिए इसकी ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी देख लीजिए। चेयरमैन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, डायरेक्टर जो होता है वो भी अपेडा अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो अदर स्टाफ्स होते हैं वो अथॉरिटी। तो डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ को छोड़ के ये ध्यान रखिए CS, ठीक है, तो CS से आपका चेयरमैन, सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ गो ट्राइबल कंपेन, तो ट्राइफेड ने ऑर्गेनाइज किया ताकि वो कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स करे विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोमोट ट्राइबल प्रोडक्ट्स। नाउ NCPCR दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2007 में बनी थी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2015 के अंडर, एंड ये काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड है वो 0 से 18 साल है इसके अंदर, एंड ये जो कमीशन है ये मैंडेट है टू इंश्योर कि जो भी लॉज हों, पॉलिसीज हों, प्रोग्राम्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हों वो चाइल्ड राइट्स परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हों एंड एज पर द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। देन हाइजीन रेटिंग मेड कंपलसरी इन पंजाब, तो पंजाब की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो मैंडेटरी करेगा सभी ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के लिए ये इंश्योर करना कि जो फूड सप्लाई हुआ है वो हाइजीन रेटिंग के साथ हो एज़ पर FSSAI। नाउ सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, तो ये सेटअप की गई है IIT खड़गपुर के अंदर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो कि सागरमाला प्रोग्राम को भी देखेगी एंड शिप डिज़ाइन को पर फोकस है इनका टोटली। देन हरियाणा गवर्नमेंट विड्रोज EBPG कोटा, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो कोटाज हैं पोस्ट की जो रिजर्व कर दी गई थी अंडर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स इन जनरल कैटेगरी एंड बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको रिजर्व किया है। स्मार्ट पुलिसिंग, तो जो रहीमतपुर है, रहमतपुर पुलिस स्टेशन इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, वो स्टेट टॉपर आया है स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो कालू पुलिस स्टेशन है राजस्थान बीकानेर के अंदर वो फर्स्ट रैंक पे आया, एंड आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर सो आई विल नॉट, मैं इसको भूल नहीं सकती, फॉर हैविंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर पुलिस पर्सोनल, हेल्प डेस्क बनाई वुमेन के लिए एंड इक्विप्ड किया वाईफाई सर्वर्स के साथ। तो मिस्टर मोदी ने सबसे पहले पुलिस फोर्स को स्मार्ट बनने को कहा था, दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट सेंसिटिव मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट्स एंड अकाउंटेबल रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव टेक्निकल सेव टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड।
49th इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की इन गुवाहाटी इन 2014। इसके पैरामीटर यही हैं कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो 87 शॉर्ट लिस्टेड पुलिस स्टेशंस को देखेगा कि क्राइम को कितना कंट्रोल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरे पैरामीटर्स में इंक्लूडेड है इनका डिसिप्लिन, स्टोरेज ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड्स एंड ऑल। नाउ वी विल रीड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल। तो कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल अप्रूव कर दिया है। जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2014 है वो रिजर्वेशन देता है उन पर्सन्स को जो कि पहाड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्लैन को, ट्राइब को, जिनका अलग कल्चरल, एथनिक या लिंग्विस्टिक आइडेंटी है गवर्नमेंट जॉब्स में भी। इससे पर्सन्स को राहत मिलेगी इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि उन एरियाज में रह रहे हैं। नाउ IRSDC दैट इज इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट के साथ आया है विद फ्रेंच नेशनल हाईवेज AFD जो कि एक फ्रेंच एजेंसी है। AFD एक फ्रेंच एजेंसी है एंड उन्होंने एग्री किया दैट दे विल टू प्रोवाइड अ काइंड ग्रांट फाइनेंसिंग टू 7 लाख यूरो थ्रू फ्रेंच नेशनल ऑफ रेलवेज हब्स एंड कनेक्शंस एज अ टेक्निकल पार्टनर टू IRSDC टू सपोर्ट द रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। इससे कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी IRSDC पर नहीं आएगी ना ही इंडियन रेलवेज पर। एंड नाउ वी विल रीड अबाउट उड़ चलो। तो उड़ चलो एक ट्रैवल पोर्टल है जो कि कैटर करेगा पर्सनल ट्रैवल को ऑफ द मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेज पर्सोनल बाय एग्रीगेटिंग डिफेंस फेयर्स एंड गेटिंग एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इसका एम यही रहेगा कि जो डिसेबल्ड मिलिट्री वेटरन्स हैं वो एम्पावर्ड हों। ये इनिशिएटिव यूनिक है एंड इससे नया लीज भी मिलेगा लाइफ को ऑफ दी सोल्जर्स हु आर नाउ कन्फाइंड टू व्हील चेयर्स। नाउ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल दैट इज HSTDV DRDO ने रिसेंटली ही एक मैडन टेस्ट रखा इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का। ये एक अनमैन्ड स्क्रैम जेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है एंड ये एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, व्हीकल्स को लॉन्च करते हैं एट लो कॉस्ट एंड ये अवेलेबल है फॉर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स ऑफ फ्यूचर। नाउ ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस आपको पता होगा एक एंटी शिप वर्जन है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एंड इट वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर इन उड़ीसा। जो नेम है ब्रह्मोस वो दो रिवर से है, ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया। इसको मैनुफैक्चर किया गया है एट ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है DRDO का एंड रशिया के NPO मशीनो स्त्रोयेनिया का। जो मीडियम रेंज रैमजेट है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है अपनी क्लास का। नव वरुणास्त्र टॉर्पेडोज, तो जो इंडियन नेवी एंड भारत डायनेमिक लिमिट्स हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि वो वरुणास्त्र टू इंडियन नेवी उसे सप्लाई कर सकें। ये एक शिप लॉन्च्ड इलेक्ट्रिकल प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन है जो कि इक्विप्ड है विद द मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल्ड गाइडेंस सिस्टम। ये ही ओनली टॉर्पेडो है इन द वर्ल्ड टू हैव अ GPS बेस्ड लोकेटिंग एड। जो एंटी सबमेराइन इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो है जब वेन फायर्ड इट कैन ट्रेवल एट 40 नोट्स और 74 किलोमीटर पर आर। जो ऑपरेशनल रेंज है वो 40 किलोमीटर है एंड ये वॉर हेड 250 kg का कैरी कर सकता है। इस वेपन को ज्वाइंट किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने विशाखापट्टनम एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। नाउ स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसराइल रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ एक डील साइन की जो कि एक इसराइल डिफेंस फर्म है एंड इट विल प्रोड्यूस अ बैच ऑफ स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स। जो स्पाइस है इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट प्रेसाइज इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये एक गाइडेंस है एंड मैनुफरिंग किट है एंड मैनुफैक्चर्ड बाई इसराइल्स रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। नाउ स्पाइस जो है वो एरर्स को भी ओवरकम करता है इन लोकेटिंग टारगेट, GPS जामिंग एंड ऑल्सो रिड्यूसेस कोलेटरल डैमेज। नाउ नसाम सेकेंड, तो ये ध्यान रखिएगा US ने इसका अप्रूवल कर दिया है इन एयर डिफेंस सिस्टम। DSRA दैट इज डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, तो कैबिनेट जो है कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने डी
ISRA का जो सेटिंग अप है उसको क्लियर कर दिया है, एंड इससे स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज बनेंगी। ये कोऑर्डिनेट करेंगे ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफिसर्स के साथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट मिला दिया जाएगा डिफेंस स्पेस एजेंसी को, एंड इट हैज़ बिन क्रिएटेड टू हेल्प द कंट्री फाइट वॉर्स इन द स्पेस। एंड इसको सेटअप किया गया बेंगलुरु में अंडर एन एयर वाइस मार्शल रैंक ऑफिसर। नौ ऑपरेशन संकल्प, तो ऑपरेशन संकल्प जो है ये ध्यान रखिएगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो ऑपरेशन में आगे ओपी वर्ड है ना, तो ओपी को उल्टा कर दो, पी ओ कर दो, पी से हो गया पर्शियन गल्फ एंड ओ से हो गया ओमान का गल्फ। एंड ये इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स को देखेगा ट्रांसिटिंग थ्रू द एरिया फॉलोइंग द रिसेंट मैरीटाइम इंसिडेंट्स इन द रीजन। नौ खड़ग प्रहार, तो मैं ये आपको बता देती हूँ, खड़ग प्रहार एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी ने की पंजाब के अंदर, एंड इसके अंदर इंडियन आर्मी के जो कॉप्स थे वो अम्बाला में बेस थे, इसलिए उनको खड़ग क्रॉप्स कहा गया है। न्यू स्पीशीज ऑफ वास्प फ्रॉम गोवा, तो गोवा से एक नई स्पीशीज मिली है जिसका नाम है कुदा क्रुमिया, ये पाई गई है वेस्टर्न घाट्स फॉरेस्ट में कोटिगियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, एंड इसको कुदा क्रोमिया रागनेकेरी कहा जाता है। इसको नाम दिया गया पराग रागनेकर के बाद जो कि एक गोवा बेस्ड रिसर्चर हैं, एंड ये एक जीनस कुदम क्रोमिया को बिलोंग करते हैं, एंड ये एक इंसेक्ट है, इट इज़ एन इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर हाइमेनोपेटेरा एंड सब ऑर्डर एप्रोसिटा। नाउ इंडियन नेवी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन रोड मैप, तो नेवी ने एक इको फ्रेंडली प्रोग्राम ये बनाया है। नाउ इम्प्रेसिव टॉर्टोइज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से एक टोर्टोइज मिला है जिसका नाम रखा गया है इम्प्रेसिव। ये फर्स्ट रिकॉर्ड है टोर्टोइज का इंडिया में, एंड टेकिंग टू अकाउंट टू 5 एंड नॉन मेराइन चेलोनियन काउंट टू 29। तो जो चेलोनियन होता है, आई नो मेट इट कैन बी केलोनियन, तो ये एक ऑर्डर है रेप्टाइल का जिसमें टर्टल्स भी आते हैं, टेरापिन्स भी आते हैं एंड टॉर्टोइजेस भी आते हैं। इंडिया जाना जाता है एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज के लिए अंटिल द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रेस्ड टॉर्टोइज। जो एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज है वो लार्जेस्ट है इन मेनलैंड एशिया एंड इट इज़ फाउंड मेनली ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट। देन प्लांट डिस्कवरीज 2018 एंड एनिमल डिस्कवरीज 2018, तो 596 नए स्पीशीज फ्लोरा एंड फोना के डिस्कवर किए 2018 में। इनकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक कर दी बोटानिक सर्वे ऑफ इंडिया ने एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी। 596 में से 372 फोना के अंदर आते हैं। जो न्यूली आइडेंटिफाइड 224 हैं जैसे कि सीड प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, बायरोफाइट्स, फंजाई, 31% हिमालयाज में। मैमल्स एनिमल्स के अंदर देखें तो वेस्टर्न घाट्स बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ पे 50% स्पीशीज पाए जाते हैं। 61 इस वर्टिब्रेट्स इस साल डिस्कवर किए गए रेप्टाइल्स, एंड जो केरला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज की गई विथ 59 स्पीशीज। वेस्ट बंगाल जो कि एक स्टेट है हिमालयन एंड कोस्टल इको सिस्टम के लिए, वहाँ पर 38, तमिलनाडु में 26, एंड इन नई डिस्कवरीज के साथ जो अपडेटेड लिस्ट है वो 1,01,681 हो गई है, मीन्स विच इज अबाउट 6.49% ऑफ ऑल द स्पीशीज इन द वर्ल्ड। जो प्लांट स्पीशीज हैं वो भी 49441 हो गए, विच इज 5% ऑफ ऑल फ्लोरा इन द वर्ल्ड। नाउ पैडी फ्रॉग, रिसर्चर्स ने एक नई स्पीशीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पाई है, दैट इज पैडी फ्रॉग एंड इट इज़ प्राइमरली इन आसाम। जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है इसे ऐशानी कहा गया, एंड इसका जो नया वर्ड है वो नॉर्थ ईस्ट से आया। जो फ्रॉग है वो जीनस मिक्री लेटा से बिलोंग करता है। जो माइक्रोहाइलिड जीनस है ये ग्रुप है नैरो माउथ फ्रॉग्स का, जो कि कॉमनली पैडी फ्रॉग्स होते हैं, एंड दे आर प्राइमरली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। से 4 ये ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज हैं एंड न्यूली डिस्कवर्ड है मैक्रे लेटा एशियानी, जो कि 5th वन बन गया है। देन एशियाटिक गोल्डन कैट, तो ये ध्यान रखिएगा जो कोट है एशियाटिक गोल्डन कैट का वो 5 अदर शेड्स में आ गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो कोट है वो 6 टाइप्स का होता है, सिनेमन, गोल्डन, ग्रे, मेलानिस्टिक, ऑसेलॉइट एंड टाइटली रोजेटेड। जो एशियाटिक गोल्डन कैट है वो नियर थ्रेटेंड है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, एंड इसे ईस्टर्न नेपाल में पाया जाता है थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू इंडोनेशिया। साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि जो वाइड वेरिएशन है वो डिस्प्ले करता है इन द कैट्स कोट प्रोवाइड्स देम विद सेवरल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। नाउ ब्लाइट डिसीज इन राइस, तो शेट ब्लाइट डिसीज मिली है राइस के अंदर।
एंड इट इज़ अ स्ट्रेन ऑफ राइजोकॉटेनिया सोलानी जो कि एक फंगल पैथोजन है जिसकी वजह से ड्रेडेड शेथ ब्लाइट डिसीज पाई जाती है। रिसर्चर्स ने काफ़ी सारी जीन्स एंड जीन फैमिलीज भी आइडेंटिफाई की जो जेनोमिक इंसाइट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प डेवलप राइस वराइटीज़ रेजिस्टेंट टू शेथ ब्लाइट डिसीज़। तो जो शेथ ब्लाइट डिसीज़ है ये मेजर कॉज है, मेजर इशू है राइस कल्टीवेशन के लिए। 60% रिडक्शन कर सकता है ये राइस यील्ड के अंदर। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीड डिसीज़ रेजिस्टेंस राइस वराइटीज़। नाउ ट्री फेलिंग बैन इन बिहार, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने फेलिंग ऑफ ट्रीज़ बैन कर दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। पैथिनो जिनेसिस, तो एक नया जो इंग्लैंड एक्वेरियम है यूएस के अंदर, उन्होंने एक वर्जिन एनाकोंडा को देखा जिन्होंने बर्थ दिया एक किसी मतलब एनाकोंडा को ही विंटर में। एंड इस एक्वेरियम के अंदर कोई मेल एनाकोंडा नहीं था, लेकिन फिर भी एना ने, जो कि एक ग्रीन एनाकोंडा थे, उसने बर्थ दिया फ्यू बेबीज़ को जिसमें से सिर्फ टू ही सर्वाइव कर पाए। तो इसे कहते हैं पैर्थेनोजेनेसिस। तो ये पैर्थेनोजेनेसिस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे मतलब फीमेल जो होती है वो मतलब फर्टिलाइज कर पाती है, इट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट अ मेल। तो ये लोअर प्लांट्स एंड इन्वर्टिब्रेट प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं PER एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल, दैट इज़ PFAS। ये एक केमिकल और नॉन स्टिक कुकवेयर है। PFAS जो कि करंटली अनरेगुलेटेड है इंडिया के अंदर, ये ग्रुप होते हैं आर्टिफिशियल केमिकल्स के एंड दे आर यूज्ड मेनली इन आइटम्स ऑफ डेली यूज जैसे कि कुकवेयर एंड ऑल। देन बेल्सम्स और ज्वेल वीड्स, तो ईस्टर्न हिमालयाज जो कि एक ट्रेजर ट्रोव है बेल्सम्स का, इट यील्ड्स 20 न्यू स्पीशीज। अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम को बिलोंग करता है। ये प्लांट्स हाईली सेंसिटिव हैं टू क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक एक्सट्रीम ड्रॉट एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सनलाइट। इसके अंदर एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स दोनों आते हैं। ये सकलेंट प्लांट्स हैं विद हाई एंडेमिज्म। देन प्रोटोन थेरेपी, प्रोटोन थेरेपी जिसको प्रोटोन बीम थेरेपी भी कहते हैं, ये एक रेडिएशन थेरेपी का टाइप है। एंड ये ध्यान रखिएगा ये प्रोटोन्स को यूज़ करता है, एक्सरेज को यूज़ नहीं करता। एक्सरे रेडिएशन की तरह जो प्रोटोन थेरेपी है ये टाइप है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का। एंड इट पेनलेसली डिलीवर्स रेडिएशन थ्रू द स्किन फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी। जो प्रोटोन है वो पॉजिटिवली चार्ज व्हीकल होता है एंड प्रोटोन कैन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स ऑल्सो। नाउ एरो गाय पाचा, दैट इज ट्री कॉपस जी लैनिसस, तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने इसको पाया। ये एक मेडिसिनल प्लांट है विच इज़ एंडेमिक टू अगस्तिया हिल्स। जो मेरेकल प्लांट है ये ट्रेडिशनल यूज़ में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, कानी ट्राइबल कम्युनिटी से यूज़ करती है थकावट को दूर करने के लिए। जो स्टडीज़ है उन्होंने प्रूव किया कि जो वेरिड स्पेक्ट्रम है ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एंटी ऑक्सीडेंट, एफ्रोडिसियड, एंटी माइक्रोबियल, सो ये सब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ रेडार सेट कॉन्स्टलेशन मिशन RCM, तो कैनेडा का जो रेडार सेट कॉन्स्टलेशन मिशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ इंटू स्पेस अब्रॉड टू स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट फ्रॉम वेंडनबर्ग एयर फोर्स बेस कैलिफोर्निया। जो थ्री सेटेलाइट्स का जो कॉन्स्टलेशन है वो डेली इमेजेस देता है कनाडा की वास्ट टेरिटरी का, मैरीटाइम अप्रोचेस का, इमेजेस भी देता है एक्टिक की अप टू अ 4 times a day। 90% वर्ल्ड का सरफेस का डेली एसेस प्रोवाइड करता है। जो RCM है वो इक्विप्ड है विद ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिससे इम्प्रूव डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ शिप्स भी हो पाती है। जो रेडार सेट कॉन्स्टलेशन मिशन है वो इम्प्रूव डाटा प्रोवाइड करता है फॉर क्रिटिकल सर्विसेज एंड टू अवर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर कैनेडियंस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज, हेल्थ ऑफ अवर ओशियंस। नाउ ट्राइकोफाइटोन रबरियम, तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नोवेल बनाया, डेवलप किया, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट नेल लैक्वर, एंटी फंगल ब्लेयर नेल लैक्वर, एंड इट फोर्टिफाइड विद एन एंटी फंगल ड्रग टू ट्रीट ओनिकोमिकोसिस। जो ड्रग इन्फ्यूज्ड है, क्विक ड्राइंग पॉलीमर है, इट कैन बी इजीली अप्लाइड विद नेल पॉलिश। जो बैकग्राउंड है, ये जो फंगस है ट्राइकोफाइटोन रबरम, इससे पेनफुल इंजेक्शन हो सकता है टो में या फिंगर नेल्स में,
कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है, वेट वर्क जोन्स के अंदर जो इन्फेक्शन इससे होता है वो होता है ऑनिकोमिकोसिस, जिससे हाफ ऑफ नेल डिसीजेज होती हैं, इससे ब्रिटलनेस, डिसकलरेशन एंड डिसफिगरमेंट होती है नेल्स के अंदर। तो क्या नाम है? ट्राइकोफाइटोन रबरियम। डिसीज का प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट है विद बोथ ओरल मेडिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। नाउ डिस डिवाइस टू ट्रैप ओशियन प्लास्टिक री लॉन्चेस, तो एक फ्लोटिंग डिवाइस ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे कैच किया जा सके इन द पैसिफिक ओशियन बिटवीन कैलिफोर्निया एंड हवाई। ये ओशियनिक ओशियन क्लीनअप प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो ओशियन करंट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्लास्टिक पे इन 5 एरियाज इन द वर्ल्ड, दैट इज सब ट्रॉपिकल गायरीज, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड ओशियन गार्बेज पैचेस। जो ओशियन क्लीनअप है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू रिड द वर्ल्ड्स ओशियन ऑफ प्लास्टिक। नाउ सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहे हैं ताकि एक सेंट्रली कंट्रोल्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम कंट्री के अंदर बन सके। नाउ एंशियंट नॉर्थ साइबेरियंस, तो साइंटिस्ट ने एक प्रीवियसली अननोन ग्रुप ऑफ एंशियंट पीपल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया के अंदर रहते थे लास्ट एज में, एंड उनको पाया। ये जो टर्म है एंशियंट नॉर्थ साइबेरियंस, ये मिसिंग लिंक के नाम से इनको कनेक्ट किया गया। उड़ीसा फ्लड हजार्ड एटलस, तो उड़ीसा जो है वो फ्लड हजार्ड एटलस के साथ सामने आ गई है, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ISRO का हैदराबाद, एंड उन्होंने स्टडी की फ्लड हजार्ड डोनेशन पर उड़ीसा के। नाउ प्लास्टिक पार्क्स, तो 4 प्लास्टिक पार्क्स अप्रूव किए गए हैं स्टेट ऑफ आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु के अंदर, एंड ये जो स्कीम होगी इन प्लेस टू एस्टैब्लिश प्लास्टिक पार्क अक्रॉस द कंट्री। इस स्कीम गाइडलाइंस के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी सेटअप करेगी स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये बिल्डिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी बेसिक प्रोडक्शन यूनिट्स को। कंपलसरी रिटायरमेंट, तो 15 सीनियर फाइनेंशियल मिनिस्टर्स को CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया, एंड ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर इशू किए थे क्लोज जे ऑफ रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स के अंदर। नाउ पेरोल, पेरोल एक सिस्टम है जहाँ पे प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाता है जिसको विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, जो ये रिलीज है ये कंडीशनल होता है एंड इसके अंदर पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी देनी पड़ती है अथॉरिटीज़ को फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ रिफॉर्मेटिव प्रोसेस, एंड जो प्रोविजन है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्रिजन सिस्टम को ह्यूमनाइज किया जा सके। ये फरलॉक से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा मतलब ब्रॉडली सिमिलर है लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये दिया जाता है जब लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट होती है, जबकि जो फरलॉग है वो मैटर ऑफ राइट है जो कि पीरियोडिकली दिया जाता है बिना किसी रीजन के, एंड प्रिजनर के पास प्रिजनर को इनेबल होता है टू रिटेन फैमिली एंड सोशल टाइज, पेरोल राइट नहीं होता। नाउ अथॉरिटी, ये प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 के अंदर आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। प्रिजन ये भी ध्यान रखिए स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के प्रिजनर रिलीज एंड पेरोल रूल्स बना सकती है। पेरोल स्टेट एग्जीक्यूटिव देता है, अगर पेरोल रिजेक्ट कर दिया जाए तो कन्विक्ट जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल है वो पेरोल दे सकता है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है 7 दिन के लिए। नाउ यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट, तो ये एक इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कंबाइनिंग सेवरल फंक्शंस लाइक टर्मिनल डेवलपमेंट एंड वेसल्स ऑपरेशंस। ये 16 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा एंड 5 लोकेशंस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली, इंक्लूडिंग फतेहपुर जाट, ट्रोनिका सिटी, जगतपुर, सोनिया विहार एंड वजीराबाद। नाउ DD डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री डिश सेट टॉप बॉक्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कंट्री के नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे एंड ऑडियंस एबल होगा कि वो 100 चैनल्स देख सकते हैं फॉर फ्री। ये बिगेस्ट डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर है विथ 3.5 करोड़ कनेक्शंस। नाउ जनपिथ अवार्ड, तो 54 जनपिथ अवार्ड दिए गए एंड किसको दिए गए? अमिताव घोष को। ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर हैं जो कि जननपिथ लॉरियट जिन्हें मिला। ये एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर है एंड इसे 1961 के अंदर बनाया गया था। इनिशियली इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर नहीं किया जाता था लेकिन 49th जननपिथ अवार्ड के बाद जो इंग्लिश है उसे भी लैंग्वेज कंसीडर किया गया। नव बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार, तो जो साहित्य अकेडमी है इंडिया की नेशनल अकेडमी, 22 विनर्स रहे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए एंड 23 युवा पुरस्कार के लिए।
जो बाल पुरस्कार है वो चिल्ड्रन डे पे दिया जाता है। जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये अवार्ड रिलेटेड है टू बुक्स विच वर पब्लिश ड्यूरिंग द 5 ईयर्स पीरियड इमिडिएटली बिफोर द ईयर अवार्ड इज कन्फर्ड। इसका मतलब 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक इनिशियल 10 सालों के अंदर जो अवार्ड थे वो ऑथर बेस्ड दिए जाते थे। युवा पुरस्कार जो है वो बुक्स के लिए दिए जाती है जो ऑथर ने पब्लिश की हो, जो कि 35 ईयर्स के एज के हों एंड बिलो एज ऑफ 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ अवार्ड। नाउ मैक्सिकोज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड तो फॉर्मर इंडियन प्रेजिडेंट प्रतिभा पाटिल ने ऑर्डन मैक्सिका डेल ओगिला अजडेका, दैट इज ऑर्डर ऑफ द एस्टिक ईगल, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है मैक्सिको का, वो फॉरनर को दिया। एंड मिस पाटिल सेकेंड इंडियन हेड है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये 1993 में बनाया गया था। 5 डिग्रीज के साथ आता है, दैट इज स्कॉलर, शश ऑफ स्पेशल कैटेगरी, प्लेक, वेनेरा एंड इंसिगिया। नाउ वी विल रीड अबाउट वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट सिटी। तो जो प्यूटो विलियम्स है चिले के अंदर, वो वर्ल्ड्स की साउदर्न मोस्ट सिटी है। एंड इन्होंने जो उशुयोया इन अर्जेंटीना उसका टाइटल ले लिया है। प्योटो विलियम जो है वो बिगिल चैनल को फेस करती है। शियाचिन ग्लेशियर, तो शियाचिन ग्लेशियर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन में। ये करिकोरम रेंज के अंदर आता है, वेस्टर्न हिमालयास के अंदर एंड साउथ ऑफ जोन में आता है, जहाँ पे यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से अलग किया जाता है। जो वर्ड सियाचिन है वो 2 वर्ड से आया, सिया मीन्स रोज एंड चन मीन्स एनीथिंग जो बहुत अबंडेंस में हो। अकॉर्डिंग टू बाल्टी लैंग्वेज ये रिप्रेजेंट करता है प्लेस ऑफ रोसेस। हाईएस्ट बैटल फील्ड रही है वर्ल्ड में, LOC यहाँ पर है, इंडिया एंड पाकिस्तान इशू। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2 कंट्रीज के बीच में, 1972, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा गया था। देन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। एंड देन आपका जो ग्लेशियर है वो सोर्स है काफ़ी सारी रिवर्स का, जैसे कि नब्रा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है श्योक की। एंड जो सियाचिन ग्लेशियर है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट हेलीपैड भी, मतलब उसको भी बूस्ट अप करता है, बिल्ट बाय इंडिया एट पॉइंट सोनम। माउंट एटना, तो जो इटली की माउंट एटना वॉल्केनो है वो दोबारा से इरप्ट हो गई है। जो माउंट एटना है वो लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन वर्ल्ड एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इरप्टिंग वॉल्केनोज हैं। ये वो वॉल्केनो है जिसका लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड रहा कंटिन्यूस इरप्शन का। ये ईस्ट कोस्ट के पास है ऑफ द आइलैंड ऑफ सिसिली इन इटली। एंड माउंट एटना जो है वो 10,900 फीट टॉल है। माउंटेन की जो लार्जेस्ट फीचर है इज द वैले डेल बोवे, एक लार्ज होरशू शेप्ड कैलडेरा ऑन द ईस्टर्न स्लोप। जो एटना है इट सिट्स ऑन द एक्टिव फोल्ट बिटवीन द अफ्रीकन प्लेट एंड द